वैद्यकीय विभाग उर्वरित राज्य. नामांकन आहेत. हा पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी मी आमंत्रित करते श्री एन प्रभाकर, श्री गौतम सिंघानिया आणि श्री देवेंद्र भारती यांना. मेडिकल रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, डॉक्टर लोकेंद्र सिंह. डॉक्टर लोकेंद्र सिंह, आपने सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को नागपुर के सामान्य और गरीबों के लिए एक आशा की किरण बना दिया है. 2018 में सीम्स के संचालक के रूप में आपने मरीजों के लिए करीब 2,97,00,000 रुपए की सहायता उपलब्ध कराई. गरीब रोगियों को अब सीम्स एक बड़ा आधार दिखाई देता है. आपके प्रेरणादायी कार्य के लिए हमें आपको लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है. डॉक्टर लोकेंद्र सिंह, महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर 2009 इन मेडिकल रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र कैटेगरी. सर, अ फ्यू वर्ड्स प्लीज. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर ह्यूमन बींग्स, इंसान हैं हम सब. उसके पश्चात हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, व्यवसायी हैं, जो भी हैं. समाज को जोड़ने का काम और समाज के अंदर प्रकाश फैलाने का काम एक अखबार का काम रहता है, और लोकमत समूह इसमें बहुत आगे है. और इस समूह को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बड़ी नज़दीकी से जानता हूँ. मेरी कविताएं वहाँ निरंतर छपती हैं. मैं 2-3 लाइनें बोलूँगा. एक तो किस तरह से अखबार जो है ये बताने की कोशिश करता है कि जब हर बंदे में, हर जर्रे में, हर शय में है तू, क्यों फिर काबा काशी ठाकुर द्वारे ढूंढता हूँ मैं. गॉड इज़ एवरीवेयर, एंड दिस इज़ वॉट द पत्रकारिता, अखबार, इन सब का काम ये समाज में एक रोशनी फैलाना है. और दूसरी बात, पत्रकारिता दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो समाज को जोड़े या बिखेर दे. लेकिन लोकमत समाचार उनमें से है जो ये सबको बताने की कोशिश करता है कि सबको रख ले बांध बावरे, मत इतना बोराए, एक पत्थर जो हिले नींव का महल ध्वस्त हो जाए. देश के महल को बचा के रखना मित्रों, समय बड़ा ख़राब चल रहा है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद.